रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रुबीना मलिक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी, मुझे बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस सिर्फ वे लोग देखते हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, और उन्हीं लोगों के मुझे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे मैसेज आए हुए थे कि भाई बारिश हो रही है और बारिश का व्लॉग कितने रहना है। बस थिंकिंग, हाँ यार, वाकई पिछले दो दिन से लगातार बारिश हो रही है और मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया, तो व्लॉग तो बनता है। और ये जी, हमारे घर पे हुआ था पेंट, फर्श अभी तक गंदा पड़ा है, लेकिन पेंट बहुत सारा बच गया था तो हमने फिर ये गमले पेंट कर दिए। और कल मेरी बहन ने गमले पेंट किए थे और यहाँ कहीं पे रखे थे सेंटर में। मैं कल, मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा कोई ख़राब था, बहुत ही कुछ ज़्यादा सरी, क्या उससे कहते हैं, उर्दू का एक खूबसूरत सा वर्ड है, वो तो माइंड में नहीं आ रहा, उसको कहते हैं कि मतलब कि कोई अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। मैं बहुत ही कोई सैड से मूड में दीवार के साथ टेक लगा के खड़ी हुई थी और एकदम से मेरी नज़र पड़ी मेरे पौधों में। वैसे पौधों को ही देख रही थी और फिर अचानक से मेरी नज़र पड़ी और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा खुश क्यों हुई। हैव अ लुक एट दिस, इतने सारे बर्ड्स निकल आए। ओह माई गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सब लोगों ने भी इसको देख के माशाल्लाह कहना है, क्योंकि ये सारे बर्ड्स इंशाल्लाह फिर से फूल बनेंगे। और एक बहुत, एक तो नहीं दो तीन सैड न्यूज़ ये है मेरे पास कि जो मेरे दो गमलों के अंदर गेंदे के फूल थे वो सारे के सारे मर गए हैं, जल गए हैं। एक्चुअली ऐसे हुआ था कि जब इन लोगों ने ये सारी जगह पेंट करनी थी, ये सारे पौधे उठा के इन्होंने किचन में रख दिए थे, तो वो फिर कोई 4-5 दिन वहाँ पड़े रहे, तो उस वजह से शायद वो मर गए। और वो जो 7 रंग के जिसपे फूल निकलने थे, दिस वन, ये तो बिल्कुल ही मर गया। अब 7 रंग का क्या, इसमें तो कोई एक भी रंग का नहीं निकलेगा और ये वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है। तो मौसम आज बहुत ही कोई ज़्यादा प्यारा है, बारिश तो अब रुक गई है, सारी रात एक सेकंड के लिए बारिश नहीं रुकी और मेरी नींद है बहुत ज़्यादा कच्ची। एक दफ़ा दरमियान में इतनी तेज़ की ज़ोर की बिजली चमकी थी, मुझे लगा, और मैं जो हूँ ना बड़ी कोई इमेजिनेटिव सी, मुझे लगा कि अभी बिजली गिर जाएगी हमारे घर पर और फिर मेरी कुली सोच नहीं होंगी कि हाँ ये बेचारी रुबीना मर गई। इतनी हंसी भी आ रही थी रात को, क्योंकि मैं जल्दी सो गई थी, ऑलमोस्ट 9 बजे, नहीं 9:30, 9:30 तक आई थिंक मैं सो चुकी थी। और क्योंकि मैं सुबह भी जल्दी उठती होती हूँ तो इसलिए मैं जल्दी ही सो जाती हूँ। और फिर उसके बाद जो 12 बजे के करीब ये लोग सारे तो जाग रहे थे, मेरे बहन भाई, ये लोग शोर मचाते थे, वाईफाई बंद कर दो जल्दी के। पहले एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि जब ऐसे बिजली चमकी थी तो हमारा जो मोडेम है उसकी वायर्स वगैरह सब कुछ जल गया था, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, मैं तो आधी अपनी नींद पूरी कर चुकी हूँ, आधी रात गुजार चुकी हूँ और ये लोग अभी तक वाईफाई के पीछे भाग रहे हैं। खैर, उसके बाद जो है पूरी रात बारिश होती रही, मेरी आँख खुलती रही, बंद होती रही, क्योंकि मेरी नींद बहुत कच्ची है। तो बारिश का इतना ज़्यादा शोर था, इतनी तेज़ बारिश थी कि एक मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुकी। और तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो दो गेंदे के फूल जल चुके हैं इनके लिए भी मैं पाम ट्री ले आती हूँ। एक तो वो देखने में बहुत ही कोई ज़्यादा खूबसूरत लगता है और वो बड़ा भी जल्दी जल्दी हो रहा है, सो आई एम इन लव विद दैट। अब मैं वो लेकर आऊँगी। और आज मैंने रोज़ा भी रखना था, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। और रोज़े से मुझे एक मज़े की बात याद है कि पिछले फ्राइडे को मैंने रोज़ा, ऐसे ही मैं उठी थी सुबह जल्दी तहज्जुद के लिए उठी थी, तो ऐसे मेरा दिल कर गया कि चलो भाई मैं रोज़ा रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी मेरा मूड बनता है मैं रोज़ा रख लेती हूँ। फ्रिज में गई तो सिर्फ सेब पड़े हुए थे, एक सेब खाया वो भी आता है, मैंने कहा चलो बस देखो सहरी तो सहरी होती है, सहरी होगी, फिर मैंने रोज़ा रख लिया। और उससे पिछली रात, मतलब कि थर्सडे नाइट को, आई वॉज़ टॉकिंग टू वन ऑफ माई कलीग, शी इज़ ऑल्सो माई अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो मैं उसको बिरयानी का कोई किस्सा सुना रही थी। अब क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है तो मैं बिरयानी वाला वो वाला किस्सा यहाँ नहीं सुना सकती, क्योंकि जो मैं उसको बात डाल थी ये ना कि वो लोग खुद भी सुन लें, तो इसलिए मैं उसको स्किप करूँगी। तो अगले दिन जब मैं सुबह गई तो उसने मुझे कहा कि सुबह सवेरे उसने कहा कि तुम्हारे लिए आज लंच में बिरयानी, उनका ओ इतना मुझे शदीद किस्म का प्यार आया। मतलब बिरयानी तो हम खाते रहते हैं लेकिन घर पर बिरयानी हमेशा बनाती हूँ मैं, तो उसमें टेस्ट का बस 19-20 का फ़र्क आता है, तो जब मुझे कोई और बंदा बिरयानी दे तो मुझे बहुत उस पर प्यार आता है। शी सेड कि तुम्हारे लिए बिरयानी लाई हूँ, तो मैंने कहा हो चलो मेरा तो रोज़ा है आज, मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा स्कूल के स्टाफ रूम वाला व्लॉग नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोगों को ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत मज़े का है। अच्छा, तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया और जब मैं रख रही थी तो मैं सोच रही थी कि ये मेरे से रह ही ना जाए, तो अलीज़ा कह रही थी कि वो भी यही सोच रही थी कि तुमसे रह ही ना जाए। तो वो दिन कोई बहुत ही बुरा था, बहुत कोई अजीब सा दिन था, मतलब
आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट. तो वो फिर ऐसे हुआ कि अजीब सा कोई टेंशन वाला माहौल बन गया पैकअप टाइम पे हमारा, क्योंकि वो लास्ट डे था, वर्किंग डे था, उसके बाद हमें छुट्टियां हो गई थी. तो सारी चीज़ें इधर उधर समेटनी, संभालनी, कबर्ड्स की कीज़ और पता नहीं क्या क्या, और लास्ट मोमेंट पे हमारी एक मीटिंग कॉल हो गई थी तो हम वहाँ पे भी बिजी हो गए. फिर जब फिर हम घर वापस आ गए, फिर मैं घर आई तो मैं सो गई थी क्योंकि रोज़ा था, नमाज़ पढ़ी और फिर मैं सो गई. और फिर क्या हुआ कि एकदम से सोते में मेरी आँख खुली तो मुझे याद आया कि ओ डैम शिट यार, मेरे लिए तो अलीज़ा बिरयानी लाई थी मैंने वहीं पे फ़ौरन. मैं बाहर रही, मेरे को मम्मी मेरी दोस्त मेरे लिए बिरयानी लाई थी, वो वहीं रह गई. फिर मैंने अलीज़ा को मैसेज किया, मैंने कहा यार तुम्हारी बिरयानी तो वहीं रही. मैं सोच रही थी कि अब क्या हो सकता है, क्या मैं वापस दोबारा बिरयानी लेने जा सकती हूँ या नहीं. लेकिन फिर अब क्या हो सकता था, अब तो सारा मतलब वो स्कूल था, स्कूल के बाहर वो आर्मी वाले होते हैं लेकिन अब स्कूल थोड़ी मुझे जाने देते, ये ओबियसली कि भाई मेरी बिरयानी रह गई है वहाँ पे. तो मुझे बहुत शदीद अफसोस हुआ था. मैं क्योंकि मैं पूरा दिन जब उससे मुझे सुबह से मेरी बिरयानी दी थी ना, मैं पूरा दिन यही सोच रही थी. उससे मुझे बताया था कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं ना अफ्तारी के टाइम पर ये बिरयानी खाऊंगी और ये वो बला बला. तो अभी आज जो मैंने रोज़ा रखा है ना, मैं सहरी मतलब वैसे जब रमज़ान होता है ना तब भी इतनी कोई खास सहरी नहीं करती होती, दिल ही नहीं करता. और मैं थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा लेज़ी भी हूँ. कल मैंने अम्मी को बताया था, वो वाला तो मैं बिल्कुल अचानक ही रखा था. कल मैंने अम्मी को बताया था कि मैं कल रोज़ा रखूँगी, कल रात को बताया था कि आज वाले कल मैंने रखना है. तो अम्मी ने क्या किया था कि रात को ही मेरे लिए चाय बना के रख दी थी, चाय अंडा और ब्रेड, नो इट वॉजन्ट ब्रेड, इट वॉज बन. अच्छा तो फिर मैं अम्मी को कह रही थी कि मेरी जो वाटर बॉटल है वो बहुत ज़्यादा एयर टाइट है, अगर उसके अंदर वो चाय डाल के रखेंगे तो वो सुबह तक गर्म रहेगी. लेकिन नहीं भाई, अम्मी ने तो सुनी ही नहीं मेरी बात, वो थर्मस फ्लास्क को तो उसके अंदर डाल के रख दी. फिर जब मैं सुबह उठी तो वो चाय तो कोई अजीब सा उसका रंग हो चुका था, पता नहीं कोई वाइट और पता नहीं क्या अजीब सी हो गई थी. मैंने फिर भी मैंने हिम्मत करके कहा चलो एक घूंट चख लेती हूँ, देखती हूँ कैसी है वो, इतना कोई मेरे मुँह का सारा टेस्ट भी ख़राब हो गया. खैर फिर अल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं ये. तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि चाय तो मैंने नहीं पी, सिर्फ वो सूखा ब्रेड और सूखा अंडा थोड़ा सा खाया और मैंने रोज़ा रख लिया. तो अच्छा आप लोगों को एक और बात बतानी थी कि ये वाले जो मैं रोज़े रख रही हूँ, बहुत मतलब मेरी बहुत महीनों की एक पेंडिंग दुआ है, मैं कब से कर रही हूँ और कबूल ही नहीं हो रही यार. पहले भी रोज़े रखे थे, अभी फिर से रख रही हूँ. तो आप सब लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआ करनी है कि मैं जो भी दुआ मांग रही हूँ अच्छी है, बुरी नहीं है. तो इसलिए आप सब लोगों ने दुआ करना है कि मेरी वो वाली दुआ कबूल हो जाए, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी. देखिए अगर मेरी दुआ कबूल होगी तो आप लोगों को सवाब मिलेगा, अगर आप लोगों में से किसी की वजह से हो जाती है तो आपको भी तो सवाब मिलेगा ना. तो आप लोग इसलिए मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, ठीक है. अभी फ़िलहाल के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, बारिश तो हो नहीं रही. वैसे मैं बारिश को का व्लॉग बनाने के लिए ऊपर आई थी. ओके टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़. और अगर फिर दिन को बारिश होती है तो मैं उसका ज़रूर उसकी वीडियो बनाऊंगी और फिर नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी. और मेरे लिए दुआ करना आप लोगों ने नहीं भूलना. ओके अल्लाह हाफिज़, थैंक यू.